डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बुधवार को मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची बिजनौर के भाजपा नेता प्रिंस चौधरी की पत्नी अंशु चौधरी ने कहा कि उनके पति की कार से हुई सड़क दुर्घटना का उन्हें दुख है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने उनके पति पर गंभीर धाराएं लगाते हुए 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, वह सरासर नाइंसाफी है। सड़क दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, लिहाजा सड़क हादसे में जो कार्रवाई होती है वह की जाए, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। अंशु चौधरी ने यह भी दावा किया कि उनके पति प्रिंस चौधरी की एक आंख खराब है, वह गाड़ी नहीं चलाते हैं। उन्होंने दोनों गाड़ियां व दोनों चालक पुलिस के हवाले कर दिए हैं, लेकिन पुलिस प्रिंस चौधरी की तलाश कर रही है, जो अनुचित है। दरअसल परिषदगढ़ एक कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा नेता प्रिंस चौधरी के वाहन की चपेट में आने से खजूरी गांव निवासी वंश व गौरव त्यागी नामक युवकों की मौत हो गई थी। इस हादसे के लिए जिम्मेदार दोनों ही वाहनों को चालक भगा ले गया था। ये दोनों वाहन प्रिंस चौधरी के हैं। पुलिस ने दोनों वाहन बरामद कर लिए हैं, जबकि प्रिंस चौधरी की तलाश जारी है। मेरठ पुलिस ने प्रिंस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया है। आज SSP ऑफिस पहुंची अंशु चौधरी ने फर्स्ट बाइट टीवी से यह कहा। न्याय की गुहार लगाने आए हैं। हमारी गाड़ी से थार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, उसमें पहले तो 2 दिन तक न्यूज़ चली कि थार गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, फिर बाद में तो जब मीडिया ने कहा कि न्यूज़पेपर में देखा कि फॉर्चुनर से हुआ। और प्रिंस चौधरी जो कभी उनकी आँख ना एक आँख खराब है, उनकी आँख में पटाखा लग गया था, तो वो कभी ड्राइव नहीं करते थे, चाहे बिजनौर में पूरी मीडिया को मालूम है, पूरे जो देशवासी रहने वाले हैं उन्हें सबको मालूम है कि वो कभी ड्राइव नहीं करते थे। उनका जो चालक जो ड्राइवर था वो ड्राइव करता था। ड्राइवर को पेश कर दिया था हमने। ये कह रहे हैं कि बे भाग रहे हैं। एक्सीडेंट अगर रास्ते में कुत्ता भी आता है तो उसे भी ड्राइवर मारना नहीं चाहता। जब गलती हुई है, अब बार बार यही कहा कि मैं प्रिंस हुआ दे। हमने अगले दिन ही दोनों गाड़ी वहीं पहुंचा दी। पहले उन्होंने कहा थार गाड़ी, तो हमने थार गाड़ी पहुंचा दी। दूसरे ने कहा कि दूसरी गाड़ी, हमने फॉर्चुनर गाड़ी भी वहां पहुंचा दी। दोनों ड्राइवर भी कम से कम रात के 10 बजे तक बैठे रहे, मगर उन्होंने मना कर दिया कि हमें प्रिंस चौधरी चाहिए। अब हमने ये कहाँ का न्याय है कि 25,000 का नया इनाम घोषित कर दिया एक एक्सीडेंट में। हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। रोज़ की रोज़ धाराएं चेंज हो रही है। हम भागते तो हम गाड़ी कैसे पेश करते, ड्राइवर कैसे पेश करते। जो इस एक्सीडेंट में जो न्याय मिलता है वो हमें न्याय चाहिए। हम इसलिए यहाँ अपनी गुहार लगाने आए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। मीडिया हमारा साथ दे, प्रशासन हमारा साथ दे। हमें प्रशासन और मीडिया से कोई शिकायत नहीं है, मगर अब हम जब परेशान हैं तो हमें शिकायत है। मीडिया हमारा साथ दे, प्रशासन हमारा साथ दे। एक्सीडेंट में जो होता है वो दुनिया भर के नाटक ना बनाए, राजनीति मामला ना फंसाए, इसे ज़्यादा ना उठाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।